हाँ दोस्तों, एक न्यू इको 2022 मॉडल इसमें एलपीजी इंस्टॉलेशन कर दिया गया है। ये देख पा रहे हो, बिल नहीं है गाड़ी है बिल्कुल एकदम अच्छी तरह। इसकी सीट्स बहुत ही अच्छी है, आराम से कोई दिक्कत नहीं। ये देख पा रहे हो आप, इसका एसी नॉर्मल का है। इसमें 75 लीटर की एलपीजी टैंक लगाए गए जो कि एचपीएल कंपनी की है। ये दिखा देते हैं आपको, ये देख पा रहे हो अच्छी तरह पूरा कंप्लीट कर दिया गया इसको। इसका ढक्कन है, फुल कवरिंग कर दी गई सब कुछ। तो इसकी फ्रेम पाइप है, उसको भी जैसे कहेंगे बाहर लॉक करना बाहर लॉक कर देंगे इसको। इसमें टायर किट लगाई गई है सोनी ऑटोकैंस। यहाँ पे इसका स्विच लगाया गया है, अब इसमें गैस बनाना बाकी रही है बस। ये देख पा रहे हो, टंकी में बिल्कुल भी गैस नहीं है। गाड़ी सिर्फ 76 किलोमीटर चली है। कंपनी से मोहरत होकर सीधे अपने पास यही है गाड़ी, देख पा रहे हो। लगभग मतलब सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। ये देख पा रहे हो, टंकी पूरी अच्छी तरह लॉक कर दी गई है, कहीं भी कोई भी। ये देख पा रहे हो, सब में वाशर वोशर सब कुछ लगाया कर दिया है, पूरी कवरिंग कर दी गई है पाइप को। बड़ी शानदार गाड़ी है। एक ये स्कूल गाड़ी है, स्कूल के लिए चलेगी मतलब बच्चों के लिए। ये मोंटी कार्लो जी जो कि लीकेज करके बैठे हैं। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है एलपीजी के अंदर। ये दिखाते हैं आपको, ये गाड़ी चल चुकी है 1,61,479 किलोमीटर एलपीजी चल चुकी है। स्टार्टिंग में आते हैं, एलपीजी गैस की लगा ली थी इसमें। ये इसकी सीटिंग है, ये अपनी निसान मैग्नेट 2022 मॉडल जिसमें एलपीजी गैस की लगाई गई है। सोनी ऑटो गैस सुबह सोनी गंगर वाले आगे बोलो जो कोच अंदर है उनको। ओके भाइयों,